अस्सलाम वालेकुम, मैं आज बना रही हूँ दाल फ्राई। तो मैंने इसके अंदर ली हूँ एक बड़ी कटोरी, आती थी इतनी बड़ी कटोरी, उससे मैंने ली हूँ एक कटोरी दाल, ली हूँ नहीं कम से कम 200 ग्राम है दाल ली हूँ, उसमें थोड़ा नमक डाली हूँ और हल्दी डाली हूँ। तो मैं बताती हूँ, अभी मैं इसको कुकर में चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह दाल फ्राई बनाती हूँ। और मैंने इसके अंदर एक गिलास पानी डाली, यानी कि दाल के ऊपर आना चाहिए उतना पानी, इससे एक डेढ़ गिलास पानी आप भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक गिलास और थोड़ा सा पानी डाली, देखो इस तरह मेरी दाल गल गई। उसमें मैंने ना दो सेंगट लाई थी, तो वो सेंगट डाली हूँ मैं दाल फ्राई सेंगट वाली डाली हूँ डाबा स्टाइल का। अभी मैंने इसके अंदर जीरा डाली हूँ, देखो अभी जीरा ज़रा थोड़ा लाल हो जाए, लाल मिर्ची डाली हूँ अखी, वो मैंने तीन डाली हूँ, आपको जितना डालना आप उतना डालिए। और अब मैं डालूँगी एक कटा हुआ कांदा, जो बारीक बारीक मैंने काटी थी वो डालूँगी। डाबा स्टाइल है, इसको अपने को एकदम लाल नहीं करना है, हल्का फुल्का। देखो इसमें आप लोग है ना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, लहसुन काट के, लहसुन अदरक काट के, लेकिन मेरे पास कभी टाइम नहीं है तो इससे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी थोड़ा सा। ये इतना आधा चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको भी थोड़ा भूनूंगी, आप लोग गैस बारीक करिएगा। अब मैंने आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली हूँ और एक चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर डाली हूँ, और मैं डाल रही हूँ अभी एक चम्मच धनिया पाउडर। इसको मैं अच्छा थोड़ा भून लूँगी, फिर भूनने के बाद टमाटर डालूँगी मैं इसमें। ये देखो ये मैंने तीन टमाटर ली थी, देखो ये भी डाल दी। अब इसको थोड़ा अपन भून लेंगे, भूनेंगे जब टमाटर गल जाए। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं भी इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, पानी डालना ज़रूरी है, मसाले की खास होती है। तो ये देखो इस तरह थोड़ा पानी डाल देना जैसा टमाटर अपना गल जाए। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी क्या डालूँगी, कड़ी पत्ता और कोथमीर, सब इसी के साथ भूनूंगी मैं, ठीक है। देखो ये कड़ी पत्ता इसका डाल रही हूँ मैं, और अभी थोड़ी कोथमीर मुझे काटना है तो मैं काट के आपको बताती हूँ। देखो मैंने इसके अंदर कोथमीर डाली, दो हरी मिर्ची भी डाली हूँ। अब इसको अपन थोड़ा सा ये टमाटर अच्छा थोड़ा गल जाए उसके बाद दाल डालूँगी। देखो खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ढाबा स्टाइल है सेंगट की दाल है, आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करेंगे। आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, और आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए, मेरा वीडियो पूरा पूरा देखिए। आप ज़रूर 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 मेरे लिए दुआ भी करिए कि मेरा चैनल आगे चले जाए। तो मैं बता दूँ, टमाटर अगर अच्छे से हो गया ना अपने, फिर इसमें दाल अपने जो गला के रखे वो अपने किसके अंदर डालना है, बस हो गया मेरी दाल। अगर आपको ऊपर से तड़का देना है तो आप जैसा है लाल मिर्ची है और अक्की और लहसुन है, फिर बोलेंगे तो अक्की लाल मिर्ची और मिर्ची की बुक्की, ये सब डाल के आप ऊपर से तड़का दे सकते हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, मेरे लिए ये तड़का काफ़ी। आपको चाहिए तो आप दे दीजिएगा ऊपर से, मैं इतने में बस। देखो इस तरह मेरा दाल हो चुका है, देखो इस तरह मेरा दाल बन चुका है। अब मैं गैस बुझाऊँगी और दाल चावल खाऊंगे। तो आप मुझे अब मिलती हूँ मैं अच्छी और नई रेसिपी के साथ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।